गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम वाइजे का सबसे व्यू पॉइंट आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा है नज़ारा, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सुबह सुबह। अभी 6:30 हो रहा है और मैं आ चुका हूँ यहाँ पे 6:30 को वीडियो बनाने के लिए। अभी बहुत कुछ लेके जाना है आप लोग को। सो देख सकते हो इधर बीच है, मतलब बीच है, समुंदर है, मस्त लग रहा है। मैं इधर खड़ा हूँ और बहुत इन्जॉय भी कर रहा हूँ। सो अभी अब मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ व्यू यहाँ का कैसा है। सो ब्यूटीफुल, मुझे मज़ा आ गया सुबह सुबह आने में। अभी बहुत आगे भी जाना है क्योंकि अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ क्या है नहीं है। सो गाइस देख सकते हो मैं कहाँ आ चुका हूँ और जब मैं भींग भी रहा हूँ। ये एक लड़का दोस्त बोले कि यार शूटिंग करो, बट मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ। तो मेरा जूता भींग गया आने में। अभी हम लोग ऋषिकुंड के लिए निकल चुके हैं। सो अभी देख सकते हो पीछे स्कूटी है, अब हम लोग निकल चुके हैं। अभी बहुत इंजॉय करने वाला गाइस, जो भी देख रहे हैं वीडियो मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी मैं हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। सो अभी हाँ ये बाइक स्टार्ट करो, मैं वीडियो ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगा जैसे मैं बैठ गया। सो लेट्स गो। तो हम लोग निकल चुके हैं, देखो पीछे से बहुत सारे बाइक, सुबह सुबह मज़ा ही आ जाता है यार, कुछ भी करो बहुत मज़ा आ जाता है। अभी 7:30 हो चुका है जहाँ से, वहाँ पे थोड़ा जो शूटिंग किया मैंने वो तो थोड़ा मज़ा ही आया। अभी हम लोग को दिखा दो कैसे कैसे सुबह सुबह मज़ा आ रहा है, फुल चिल मौसम है। अब बैक कैमरा से दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो ये बस भी जाती है ऋषिकुंड, देख सकते हो बस ये। फाइनली पहुंच चुके हैं ऋषिकुंडा। अब अभी नीचे का व्यू दिखाऊंगा, उधर पूरा ब्रिज है, यहाँ पे बहुत कुछ है अभी दिखाने वाला हूँ। सो अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे स्कूटी को स्टॉप करके हैंडल लॉक करना है, हेलमेट रखना है। सो उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे ब्लॉग बनाने के लिए, बहुत सारे ब्लॉग बनाऊँगा और अभी बहुत कुछ करना है यहाँ पे। सो अभी ये टी शर्ट चेंज कर चुका है ऑलरेडी, फोटो शूट करवाने के लिए टी शर्ट चेंज कर लिया है। अभी मुझे तो नहीं करना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है फोटो शूट करने के लिए। आप लोगों को पता है मुझे वीडियो बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। सो अभी इधर टाप पानी मिल रहा है, नारियल पानी वो भी है। सो अभी हम लोग इंटर नीचे जाने वाले हैं, नीचे जाने का व्यू दिखाऊंगा कैसा है। सो गाइस हम लोग अंदर एंट्री हो चुके हैं, अभी बहुत देख सकते हो बहुत बैकग्राउंड, और अभी हम लोग आगे भी जाने वाले हैं, क्या है नहीं है दिखाने वाला हूँ। ऊपर का व्यू देखो, स्विमिंग चेंजिंग रूम। सो यहाँ पे जो स्विमिंग करके आता है तो यहाँ पे इसमें चेंज करने जा सकते हो। पता नहीं 10 रुपीज़ कुछ भी होगा प्राइस, मतलब पैसा तो लेगा चेंजिंग करने का। यहाँ पे देख सकते हो स्टीमर है, बोर्ड है, बहुत सारे बोर्ड है। और अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं, जैसे इधर से चलते हैं, बहुत बोर्ड वोर्ड भी है। तो अभी देख सकते हो ये मछली असली वाला होता है ना, तो ये जाल है, बोट है, स्टीमर है यहाँ पे। तो देख सकते हो ये बोट है और स्टीमर। अभी सुबह सुबह 7:30 ऐसे कुछ हो रहा है, अभी टाइम नहीं देखा। तो ये बोट है, अभी रिवर्स बोट रखा हुआ, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो अभी हम लोग व्यू दिखाऊंगा और यहाँ पे फोटो वोटो भी क्लिक करना है। सो अभी इधर का बैकग्राउंड दिखाता हूँ। हम लोग फाइनली आ चुके हैं मैन व्यू के पास, देख सकते हो बहुत सारा व्यू है। सो अभी हम लोग यहाँ पे बहुत इंजॉय करने वाले हैं। अभी और कहीं जाना है यहाँ पे, क्योंकि हमें लोकेशन का पता नहीं है, वो मेरा फ्रेंड बताएगा। सो अभी देख सकते हो व्यू है और बैक। हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हो बीचम बीच आ चुके हैं समुंदर का, देख सकते हो कोई यहाँ पे नहीं आता, बट हम आ गए, मेरा दोस्त और मैं आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि उधर वाले उधर ही रह गए, आ नहीं पाए। उसको जिगरा नहीं है यार, हम लोग बिहारी है यार, जिगरा है, जिगरा कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी कूद सकते हैं। सो अभी हम लोग
यहाँ पे फोटो शूट करवाने वाले हैं और यहाँ पे व्यू देखो समुंदर का पूरा व्यू है, मजा आने वाला है। सो अभी देख सकते हो यार हम लोग, मेरा जूता पूरा गीला हो गया, मैं भी थोड़ा बहुत गीला हो चुका हूँ। अभी हम लोग फोटो शूट करेंगे, जैसे ये लड़का का फोटो शूट करना है मुझे। सो अभी लोग आप वेट करो, अभी वीडियो भी बनाऊंगा मैं। सो गाइस मुझे डर लग रहा है जाने में, कैसे जाऊंगा। सो अबे कैसे आ गया बे, सो मुझे डर लग रहा है। चलो चलो लेट्स गो, चल बे। कॉकरोच है बे, बड़ा बड़ा। अब तुम हमको दिखा रहा, हम जाएंगे आगे। तेरा भी निकालो जाने का। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से यार, जितना वहाँ पे वाटर वाटर पूरा शूज खराब हो गया यार, पूरा गीला हो गया। सो इधर का सोचा कि व्यू दिखा दूँ आप लोग को कि बहुत अच्छा है यहाँ पे। जैसे ये है, आप लोग जैसे कोई भी नहा के ये मतलब स्विमिंग करके आके आराम से यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे सबसे बेस्ट ये पहाड़ है ना, मज़ा आ गया यार देखने में। बड़ा बड़ा स्टीमर भी है यहाँ पे, बट अभी वो ओपन नहीं है, पता नहीं उसके बारे में, मैं नहीं बता सकता। सो ब्यूटीफुल सिटी वाइजेग, यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। आने का यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आप रेलवे ट्रेन से आते हो तो ट्रेन से भी आ सकते हो, एरोप्लेन से भी जा, वहाँ से 30-40 किलोमीटर है यहाँ पे आने के लिए। जैसे आप लोग आके इंजॉय करते हो, बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत लोग घूमने सुबह सुबह जॉगिंग करने फैमिली के साथ आ चुके हैं घूमने के लिए। 70% तो हिंदी वाला ही लग रहा है, तेलुगु वाला भी सो रहा है क्योंकि हमेशा थोड़ी उसको पता है वो प्लेस पे हमेशा नहीं आता है। तो आप लोग देख सकते हो व्यू, सो वो कुछ है यार, मैं बैक कैमरा से ही दिखाऊं। फाइनली गाइस अभी हम लोग कुछ न्यू करने वाले गाइस, क्योंकि यहाँ सिर्फ यहाँ वाइजेक का बीच ही फेमस है, क्योंकि और कुछ तो है नहीं। अब सोच रहा हूँ कुछ अलग, यहाँ पे शूटिंग वूटिंग होता है ना, वो भी पहाड़ के ऊपर होता है शूटिंग, सब कुछ हॉस्पिटल है, मतलब हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, सब फेक है वहाँ पे। सो हम लोग अभी वहाँ पे जाने वाले हैं, कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे अभी सब जर्नी में दिखाएंगे। ये सब देख सकते हो, किसको चाहिए तो बताओ, कमेंट करके बताओ।
कैसे हो आप सब। सो गाइस अभी देख सकते हो हम लोग बहुत एंजॉय कर चुके हैं और पूरा हवा चल रहा है यहाँ पे ठंडे ठंडे, बट उतना ठंड है नहीं। सो ये मेरा फ्रेंड है, अभी हम लोग शूटिंग किए यहाँ पे, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो होता है ना इंस्टाग्राम के लिए, तो रील के लिए बनाया। और अभी हम लोग देख सकते बहुत सारे इंजॉय कर रहे हैं, मतलब अभी सुबह सुबह है, उतना कोई है नहीं ऋषिकुंड में, मतलब है क्योंकि 1000 तो पब्लिक तो पक्का है यहाँ पे। सो ये मेरा फ्रेंड है, ये फ्रेंड है यहाँ पे, ये हाय। तो इसके बारे में कुछ बता, ये बता दें, मुझे इतना जानकारी नहीं है इसके बारे में, जो जब जानकारी हो जाते हैं मुझे, जैसे इसको जानकारी बट वो बता नहीं रहा है, इंजॉय कर रहा है। अरे बता भाई इसके बारे में, ऋषिकुंड में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, यहाँ पे फेमस मतलब बीच ही है यहाँ का, कि यहाँ का बीच में वाटर मस्त है, देख सकते हो मैं भींग चुका हूँ ऑलरेडी, पूरा भींग चुका हूँ, पूरा नहीं हाफ भींग चुका हूँ। तो देख सकते हो बहुत सारे इंजॉय कर रहे हैं, इधर इधर का देखो, उधर देखना है तो बहुत पब्लिक है यार। अभी हम लोग यहाँ से जाना है, अभी बहुत कुछ ट्राई करना है, क्या है नहीं है मुझे उतना जानकारी नहीं है। तो अभी हम लोग सोच रहे नहाने के लिए, सोच रहा बट सोच रहा ड्रेस नहीं लाया यार, फिर फ़ोन किधर रखना है, फ़ोन कोई दो ही लोग आया ना, दोनों को ही नहाना है। तो आप लोग मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, जाओ बीच देख लो तो कितना मस्त है। तो भी इंजॉय कर रहे हैं, तो गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से कहीं और, अतः घर जाऊँगा, टाइम भी हो रहा है, यहाँ से निकलना है। बाइक देखो लगा हुआ है मेरा, तो मेरा फ्रेंड बाइक निकालने वाला है, अभी निकलने वाले हैं। सो अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर उसके बाद घर जाके या रास्ते में ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ढाबा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे इंजॉय, ऋषिकुंड में मज़ा आया, बहुत मज़ा भी आता है। अभी हम लोग जाने वाले हैं, सो अभी हम बाइक पर बैठने वाले हैं। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं बाइक से, छोटे छोटे बच्चे आराम से निकलेंगे। अभी हम लोग घर के घर निकल गए, 9:30 हो रहा है। तो व्यू मस्त है, लड़के लोग भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पे, मतलब लड़की कपल लोग ज़्यादा मिला मुझे यहाँ पे, कपल लोग बहुत सारे कपल लोग हैं, और संडे है ना, मतलब सबका हॉलीडे रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे एवरीडे मतलब मज़ा ही आता है, मतलब बाहर ही हिंदी वाले ज़्यादा है। तो गाइस हम लोग तो निकल चुके हैं, और अभी क्योंकि आगे पुलिस वाला है इसलिए हेलमेट निकाल रहा था डिग्गी से। तो इधर का देख सकते हो व्यू, मज़ा आता है। अभी देख सकते हो ऋषिकुंड से निकल चुके हैं, बहुत अच्छा प्लेस है, जैसे आपको बताया था ना जहाँ मूवी वूवी शूटिंग होता है, मतलब उसी में सब कुछ होता है पूरा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दिखाता हूँ मैं बैक कैमरा, ऊपर देख रहे हो ना, ऊपर जैसे देख मैं दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर सब कुछ है, मतलब मूवी शूटिंग सब, मतलब इसमें सब कुछ मिलेगा। मूवी में जो शूटिंग होता है ना, एक्शन कुछ भी होता है, मतलब अलादा, मतलब क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, मतलब उसमें सब कुछ है, ऊपर देख सकते हो। बट ऊपर जाने कैसे जाऊंगा इसका पता नहीं मुझे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुकना पड़ा क्योंकि मेरा फ्रेंड का फ़ोन टेम्पल ग्लास लगा रहा है, जैसे अब देख सकते हो पोको एक्स सीरी प्रो ऐसे कुछ है, यहाँ पे 79 rupees ओनली प्राइस है यहाँ पे, और जो 11D होता है वो 150 ऐसे कुछ है प्राइस, नॉर्मल प्राइस है। जैसे हम लोग इधर अपना स्कूटी लगा चुके हैं, अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, जैसे स्क्रीन गार्ड इसका लग जाता है, तो जैसे स्क्रीन गार्ड इसका फ़ोन में कंप्लीट हो जाता है यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से कम घर जाने के लिए 30 kilometers है, और हम बहुत सुबह सुबह 5:30 को निकल गया था शायद, हाँ 5:30 को निकल गया था, बट अब मुझे जाना है घर। कैसे बहुत जर्नी बाकी है यार, जर्नी का मज़ा आप लोग भी लो, कैसे लेता हूँ मैं, हाँ रनिंग वाला है। सो गाइस thank you.
अभी हम लोग घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया, 10 बज गया था, सुबह 5 बजे ही निकला था। अभी हम लोग घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि बाहर ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि सुबह शॉप ओपन नहीं हुआ था। तो इसलिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो।